मोड़ आया, मैं वक्त दिल छोड़ आया। गदर 2 के ट्रेलर को ब्लॉकबस्टर होने के बाद अब बारी है फिल्म के सबसे बड़े गाने की। ये गाने में होने वाला है बड़ा धमाका। फाइनली गदर 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर को 26 जुलाई के दिन रिलीज किया गया था और यकीन मानिए ट्रेलर रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बता दें कि गदर 2 के ट्रेलर ने सिर्फ 24 घंटे में 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिया है, वो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब पर भी ये फिल्म के ट्रेलर ने तकरीबन 35 मिलियन के व्यूज को पहले दिन ही क्रॉस कर लिया था और ये एक अच्छा साइन माना जा रहा है। जिस तरीके से ट्रेलर को रिस्पांस मिल रहा है उसे देखकर बड़े बड़े क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म पहले दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि ये बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को भी चुनौती दे सकती है और अगर चुनौती देगी तो वो कोई सोचने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि फिल्म का जिस तरीके से बस सामने नजर आ रहा है उसे देखकर लगता है कि ये फिल्म पहले दिन एक बम्पर ओपनिंग लेने वाली है। ट्रेलर में सनी देओल का वो पुराना वाला अवतार देख हर कोई दंग रह गया था। ट्रेलर में सनी देओल के डायलॉग और पाकिस्तान को जिस तरीके से वो धमकाते हैं वो सब लोगों ने काफी पसंद किया था। लेकिन एक और भी चीज थी जो लोगों ने काफी पसंद की और वो था गदर 2 का चार्ट बस्टर सॉन्ग मैं निकला गड्डी लेके का नया वर्जन। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आपको ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही ये गाने की झलक दिखाई गई है, लेकिन इस बार ये गाने में सिर्फ सनी देओल ही नहीं बल्कि उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा भी नजर आ रहे हैं। उत्कर्ष शर्मा और सनी देओल के अलावा ये गाने में अमीषा पटेल भी नजर आएगी और ये गाने को गदर 2 में एक नए वर्जन के साथ लाया जा रहा है। और सबसे खास बात ये है कि ये गदर का गाना है और गदर में जिस सिंगर ने ये गाने पर आवाज दी थी वही सिंगर को गदर 2 में लिया गया है, यानी गाना बिगड़ने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि जब पुराने सॉन्ग को नए वर्जन में लाया जाता है और जो ओरिजिनल सिंगर है वही आवाज देता है तो गाने को पहले वर्जन से भी काफी बेहतर बना देता है। और पिछले ऐसे कई सॉन्ग में हमने देखा भी है, गाना तब बिगड़ जाता है जब सिंगर चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। मैं निकला गड्डी लेके सॉन्ग पर उदित नारायण ही आवाज देने वाले है। बात करें गाने के रिलीज की तो ये गाने को अगले हफ्ते रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है गदर 2 के गाने को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें।